नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम और आप सब देख रहे हैं विक्रम गार्डनिंग नॉलेज। तो दोस्तों, मैं फिर एक बार आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं और मैं बताऊंगा एक कटिंग लगाकर एक कनेल की प्रजाति है दोस्तों, रोड साइड जो कनेल लगती है वो, इसका क्रोबी बोलते हैं और भी अनेकों नाम से इसे जाना जाता है दोस्तों। और ये बहुत ही हार्डी प्लांट्स दोस्तों, इसमें फूल बहुत काफ़ी ज़्यादा आती है दोस्तों। इसमें तीन चार कलर आपको देखने को मिलेगी, ये आपका वाइट, पिंक, रेड और येलो और भी बहुत सारे कलर आपको देखने को मिलेंगे। इसकी पत्ती देख रही होंगी चौकदार, इसमें ये आपका 4 से 6 इंच तक इसके पत्ते होते हैं और बहुत ही खरखस टाइप में होते हैं, नोखिलेदार इसके पत्ते और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है दोस्तों। ये आपका आयुर्वेद में भी इसका उपयोग किया जाता है, व्हाइट वाला कनेल का दोस्तों। आज के बहुत सारे यूज है और इसे जानवर नहीं खाती है दोस्तों। तो आप अपने गार्डन में या बाउंड्री के तौर पे इसे लगा सकते हैं, बाहर लगा सकते हैं। तो इसे गाय वगैरह नहीं खाती है, जानवर नहीं खाती है दोस्तों, तो ये आसानी से ग्रो हो जाती है। तो मैं इसे कटिंग लगाकर दिखाऊंगा, तो बने रहे वीडियो में अंत तक। तो दोस्तों, जो होती है टॉप जो फ्लोर होती है उसी को कटिंग लगाएंगे तो आपका इजिली कटिंग ग्रो होगा, प्लस आपका फ्लावर्स अच्छे आएंगे। तो 1 से 1.5 इंच काट लेनी है दोस्तों, नीचे के पत्ते रिमूव कर लेनी है, जितनी हो सके पत्ते रिमूव कर लेनी है दोस्तों। नीचे के पत्ते पूरा रिमूव कर लेनी है और रिमूव करने के बाद दोस्तों, जैसे मैं रूट हार्मोन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, रूटेक्स, आप देख पा रहे होंगे रूटेक्स, अगर आपके पास है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हल्दी एलोवेरा का जेल बनाकर वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर रूटेक्स नहीं है तो अभी बारिश के मौसम में, जून जुलाई के मौसम में अगर आप कटिंग लगाते हैं कनेल का तो इजिली ग्रोथ हो जाएगी दोस्तों, उसे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं है। अगर आपके पास रूटेक्स है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसे पुश कर देनी है पूरा नीचे तक और इसे भी इस तरह से लगा लेनी है रूटेक्स पाउडर को, और इसे पॉली बैग या गमले में इसे लगा लें। सारे पत्ते रिमूव कर लेनी है दोस्तों, रिमूव करने के बाद इसे रूटेक्स अगर है आपके पास तो उसे लगा लें और सारे को पुश कर दो दोस्तों, और ये आपका 2 से 3 हफ्ते में रूट जर्मिनेट हो जाएंगे, मैं उसका अपडेट आपको दिखाऊंगा। और जो ये नीचे वाली पोर्शन बचती है दोस्तों, अगर आप इसे लगाते हैं तो लगने के अगर लग सकते हैं, बट इसमें फ्लावर्स बहुत लेट से आएंगे दोस्तों। अगर टॉप वाले लगाते हैं, ये गुलदाब्दी वाले नियम होते हैं दोस्तों, जिस तरह अगर आप गुलदाब्दी अगर आप लगाए होंगे तो गुलदाब्दी का जो टॉप होते हैं उसी को अगर लगाएंगे तो आपके फ्लावर्स अच्छे आएंगे और ज़्यादा आएंगे फ्लावर्स दोस्तों। और देख पा रहे होंगे इधर मैंने काफ़ी सारे अभी मॉर्निंग में क्रोबी की कटिंग लगा चुके हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, इसीलिए आपको करके दिखा दे रहा हूँ दोस्तों कि किस तरह से हम लोग इसे नर्सरी में तैयार करते हैं दोस्तों। और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है, प्लस ये हार्डी प्लांट्स है, ज़्यादा केयर की जरूरत नहीं होती, और गर्मियों में काफ़ी फूल आती है दोस्तों, इसमें फ्लावर्स आती है, और ऐसे तो ये सालों भर फूल आती है बट कम आती है थोड़े, लेकिन गर्मी में थोड़े ज़्यादा आती है। तो दोस्तों, 3 हफ्ते के बाद मैं अपडेट आपको देता हूँ दोस्तों, 3 हफ्ते के बाद का अपडेट देखिए दोस्तों आपके सामने, ये कितने अच्छे आपका रूट जर्मिनेट हो चुके हैं, दिखाने वाला हूँ आप सबको। घोंगे भी आ चुके हैं बहुत, अभी बारिश का मौसम इसीलिए रूट देख रहे दोस्तों, ये बाहर तक जब रूट जर्मिनेट हो चुके हैं, कितने खूबसूरत रूट जर्मिनेट हो चुके हैं आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, और मैं दिखा देता हूँ एक दो। तो ये आप देख रहे हैं 3 हफ्ते में इस तरह से ग्रोथ हुई दोस्तों, कितनी अच्छी रूट जर्मिनेट हुए। तो आप भी अपने ट्राई करें, आप भी अपने घरों में गार्डन में, और ये बहुत हार्डी प्लांट्स होती है दोस्तों, आप इजिली इसे कटिंग ग्रोथ कर सकते हैं दोस्तों, तो जरूर आप सब ट्राई करें। अगर आप चैनल में नहीं हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं इसी तरह के गार्डनिंग रिलेटेड वीडियो हमेशा आप सबके सामने लाता रहता हूँ दोस्तों। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।